वही आपको दिखा रहे हैं, ये लॉक हो गया, अब उठाएंगे इसको, ये देखिए, वाओ। मेजर योर हाइट हियर। अब ये मेरी ऊपर में स्क्रीन में मेरी हाइट सेंटीमीटर में बताइए। 162 160। वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉगर। आज हम लोग आए हैं इंजीनियरिंग एक्सपो में और यहाँ पे इंडिया के पूरे, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया से 125 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और अलग अलग यहाँ पे इंजीनियरिंग के मतलब एग्जीबिशंस लगे हुए हैं। अलग अलग हम लोग नॉलेज गेन करेंगे आज और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। पूरे हम लोग आज नॉलेज भी गेन करेंगे और कम से कम यहाँ पे बहुत सारे जितने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं सबके यहाँ पे एग्जीबिशंस भी लगे हुए हैं। मेटल का, कॉपर, क्या क्या, बहुत इतने नाम है कि मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन अंदर जाऊँगा और मैं भी खुद मज़े करूँगा, आपको भी थोड़ी नॉलेज गेन करेंगे और एग्जीबिशन देखने में तो मज़ा ही आता है। और देखते हैं कि क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, तो जल्दी से चलते हैं अंदर, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अभी हम लोग आए हैं नेशनल एक्सपो में और ये 9, 10 और 11 दिसंबर 2022 को लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें स्टील, पावर, सीमेंट और माइनिंग की मतलब वो एग्जीबिशंस लगे हुए हैं और फ्री एंट्री है। विजिटिंग आवर सबको दिखा देता हूँ, 11 बजे से 7 बजे तक है और बहुत अच्छे एग्जीबिशंस लगे हुए हैं। मैं आज 10 तारीख को आया हुआ हूँ, आप जिस दिन ब्लॉग देख रहे हो उस दिन भी ये लगा हुआ है, तो आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर विजिट करना क्योंकि पूरी नॉलेज आपको गेन करने यहाँ पर मिलेगी। तो अभी हम लोग भी अंदर चलते हैं और देखते हैं। एंट्री करते हुए ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको विजिटर का एक आईडी कार्ड मिलेगा, जैसे पापा को भी मिला है, मुझे भी मिला है, आप देख सकते हैं विजिटर नाम से। तो यहाँ पे आप आईडी कार्ड ज़रूर से कलेक्ट कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड से एंट्री है और राइट हैंड साइड से हमको वापस आना है और यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा एंट्री के लिए दिखाया गया, पूरा विजिटर्स के लिए नक्शा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और एग्जीबिशंस डायरेक्टरी आपको स्कैन विद गूगल लेंस भी लिखा हुआ है, तो स्कैन करके भी कर सकते हैं। और वाटर लाइन, पाइपलाइन और फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसमें यूज़ होता है। गाइस ये जो क्रेन से खींचते हैं तो जो चेन्स रहती है, जो मशीन्स रहती है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे है। दीप न्यूमेटिक्स एयर कंप्रेसर है, मैन्युफैक्चर्ड इन अहमदाबाद। एयर कंप्रेसर का यूज़ जो होता है वो न्यूमेटिक वॉल्व्स को कंट्रोल करना और बाकी जो बड़ी बड़ी जो मशीन्स है वो इसी के कंट्रोल से, इसी के एयर से कंट्रोल होती है। तो बेसिकली वही काम है, जैसे आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो वहाँ पे जो प्रोसेस होती है कपास से धागा बनने की, तो जो मशीन्स को जो एयर जाती है वो एयर ये कंप्रेसर बनाता है। मैंने अभी डिटेल्स दी हैं, वो मशीन आप देख सकते हैं ऐसी है कुछ, और ये कंप्रेसर है। हम वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से हैं, इंडिया में लार्जेस्ट फ्लीट ओनर है ये, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। 5000 प्लस ट्रक्स हैं इसके और 1300 ट्रक्स अभी इस साल में खरीद रहे हैं हम टाटा से और 300 ट्रक अशोक लेलैंड से खरीद रहे हैं। हमारे खुद के ट्रक होने की वजह से हमारा सर्विस बहुत अच्छा है ऑल ओवर इंडिया में और रेट्स भी बहुत बढ़िया है। और हम ये जो 1050 जो हमारे ब्रांचेस है वो अगले साल में 1500 तक करेंगे। बेसिकली काम क्या है अपना, लॉजिस्टिक? हमारा ट्रांसपोर्टेशन है सर, हम 40 किलो से लेके 28 टन तक हम जो है ना इंडिया में कहीं कौन से जगह से कौन से जगह पे भी बहुत रीजनेबल प्राइस में पहुंचाते हैं। हमारा रेट पर किलो 3 रुपये से लेके 15 रुपये पर किलो तक है ऑल ओवर इंडिया में, उतने में हम पूरा इंडिया के कहीं भी कोई भी सामान पहुँचा सकते हैं। ठीक है। हेलो, हम लोग मेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से हैं
हम लोग वी आर फ्रॉम मैकेनिक्स कंपनी, वी आर बेस्ड एट दुर्ग भिलाई, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सिस्टम इंडिकेटर फॉर ऑटोमेशन एंड ड्राइव प्रोडक्ट, ऑल्सो वी हैव सम मोर सेंसर्स एंड पीएलसी ड्राइव इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल्सो, तो वी आर द सिस्टम इंडिकेटर, वी इंटीग्रेट एवरीथिंग फॉर द स्टील पावर एंड मेटल इंडस्ट्री. हेलो गाइस, आई एम डूइंग जॉब इन मेगाट्रॉनिक्स सर. दिस इज इंडक्टिव सेंसर, इसका यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं मेटल को सेंस करने के लिए. ठीक है, आगे आ जाइए. ये है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर. फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या करता है, ये डिस्टेंस मेजर करता है, कोई मेटल या कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है वो ये लाइट रेज भेज के उसका डिस्टेंस मेजर करता है. सेम ऐसे ही अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये लाइट पे काम करता है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड भेजता है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, उस पर भी ये डिस्टेंस मेजर करता है. और ये वैसे ही इनकोडर है. इनकोडर क्या करता है, एक मोटर रहता है, मोटर के शाफ्ट की स्पीड मेजर करता है, रोटेशन पर मिनट में उसकी स्पीड को मेजर करता है. और सर हम लोग हैं एलन बैडली के सिस्टम इंटीग्रेटर. हम लोग एलन बैडली के सिस्टम इंटीग्रेटर है. ये हमारा है वीएफडी है, जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है. वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव. ये क्या करता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है. ठीक है, कम ज़्यादा जैसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं. और यह है उसका रॉकवेल का पीएलसी है, एचएमआई है. ठीक है, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करके डालते हैं. और ये एचएमआई जो स्क्रीन रहता है, स्काडा, ये सब रहता है. तो गाइज अभी हम लोग भैया के एग्जीबिशन में आए हैं, और भैया का जो रूफिंग शीट्स का काम है, और जो मतलब जो बहुत सारे जगहों में रूफिंग शीट्स काम आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है पूरी रूफिंग शीट्स, और अलग अलग अभी भैया आपको बताने भी वाले हैं कैसे रूफिंग शीट्स के बारे में. ये देखिए, बाहर का टेम्परेचर 36 है और नीचे का टेम्परेचर ओके. बाहर का टेम्परेचर 36 है, अंदर का टेम्परेचर 28. ये जो रूफिंग शीट है, ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो डिफरेंस मेंटेन करता है, बिकॉज एल्युमिनियम इज अ वेरी गुड ऑफ हीट रिफ्लेक्टिंग. ओके, सो ये अराउंड 40 ईयर्स तक चलेगा, हम लोग गारंटी के साथ बोलते हैं. एक्चुअली में चलेगा अराउंड 80-90 ईयर्स. ठीक है, हाँ जी, मैं कलकत्ता से हूँ. कोरोशन फ्री है, कभी भी इसका कोरोशन नहीं होगा. एंड वन मोर थिंग, हाँ टेम्परेचर दिखाइए, ये देखिए ऊपर का भी दिखाइए. हाँ जी बिल्कुल. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इसको कभी भी कोरोशन नहीं लगता है. एंड द बेस्ट पार्ट एंड सेकंड बेस्ट पार्ट इज दैट द रीसेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. रीसेल वैल्यू प्रोडक्ट इज अराउंड 200 बक्स. द ओरिजिनल प्राइस इज 290 पर केजी, द रीसेल वैल्यू इज 200. द प्राइस यू आर बाइंग एंड द बाय द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग इन द सेम प्राइस वेरी क्लोजली. माईसेल्फ शशि भूषण चौहान, मैं कंट्रोल टेक्निक से बिलोंग करता हूं, और हम लोग एसी ड्राइव्स बनाते हैं जो इंडस्ट्रीज में एनर्जी सेविंग के लिए और मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे कंपनी में बहुत सारा एनर्जी सेविंग होता है और कार्बन एमिशन कम करते हैं यूजिंग दिस प्रोडक्ट. थैंक यू. देख रहा हूँ भैया ने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के, और अभी मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, जितना मैं इसको रोटेट करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और उतना ही जो तेज है ये मोटर घूमेगा. आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और रोटेट करूंगा तो ये और तेज घूमने लगेगा. तो मतलब मैं जितना रोटेट करूंगा उसके हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी. तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो की है सोलर इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारी मतलब आजकल घरों में भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी जगहों में सोलर इलेक्ट्रिसिटी का आजकल यूज होता है. तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टाटा पावर सनरूफ, इंडियाज नंबर वन सोलर रूफटॉप कंपनी. तो जो सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, जैसे सोलर पैनल लगा है, तो ये सोलर सूर्य की जो किरणें रहती है उसकी इलेक्ट्रिसिटी लेके पूरे अलग अलग जगहों में ट्रांसफर करती है. इनके कस्टमर्स भी दिखाए गए हैं यहाँ पे, रेसिडेंशियल हाउसेस, सोसाइटीज, MSMEs, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कमर्शियल सेटअप्स, लार्ज कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट्स. और इनके सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस लिखा है, सॉल्यूशंस भी दिखाए गए. आप देख सकते हैं सोलर रूफटॉप, फ्लोटिंग सोलर, ओपन एक्सेस सोलर, बैटरी बेस्ड सोलर, मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शंस, सोलर इंश्योरेंस एंड O&M.
आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें बेनिफिट्स भी दिए गए हैं और कितने सारे सॉल्यूशंस भी हैं। और हाय, सो आई एम अनिरुद्ध चांडक, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रोमैक डिवाइसेस। मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि सोलर पावर प्लांट्स के बारे में। तो दो टाइप के सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड रहता है जो बैटरी बेस्ड सिस्टम्स रहते हैं जिसमें आप स्टोरेज करके बाद में भी यूज कर सकते हैं। ऑन ग्रिड रहता है जो कि आप डायरेक्टली उसको जो लगाए हैं सनलाइट से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको आप देन एंड देयर यूज कर रहे हैं। अब इस पे अगर कॉस्टिंग से अपन जाए तो ऑन ग्रिड से टोटल अप्रोक्सीमेटली 30-40% ओवर प्राइस रहता है ऑफ ग्रिड, और वो उन एरियाज के लिए अच्छा है जहां पर आपके पास पावर कट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सोलर हम अभी हमारे लिए कहां कहां के लिए बेनिफिशियल है। सो राइट फ्रॉम रेसिडेंशियल सेक्टर टिल इंडस्ट्रियल सेक्टर, आप किसी भी जगह पे किसी भी पर्पज के लिए सोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं। 4-5 years का इस पर पे बैक पीरियड रहता है। और अगर आप देखेंगे तो हर जगह के लिए, जैसे ये रेसिडेंशियल के लिए हो गया, रेसिडेंस पे क्योंकि आपके पास शेड वगैरह रहता है कहीं पे तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी रहती है जिसमें कि शीट रूफ अवेलेबल रहता है तो हम शीट रूफ पे भी इंस्टॉलेशन करते हैं, शेड पे पूरा इंस्टॉलेशन हो जाता है। ये जैसे आप देखेंगे कई जगह जो सोसाइटीज रहती है, सोसाइटीज में क्योंकि बिल्डिंग्स है छत में लगाने नहीं मिलेगा तो अपन वर्टिकल वे में भी इसको यूज कर सकते हैं। कई सारी जगह ऐसी रहती है जहाँ पर पार्किंग एरियाज अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल होटल्स हो गया या आपके बड़े जो शॉपिंग मार्ट्स वगैरह रहते हैं जैसे डी मार्ट, तो वहाँ पे ये कोचीन एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पे क्योंकि कहीं पे भी स्पेस नहीं रहता तो उन्होंने पूरा कारपोर्ट बनाया है और उसके ऊपर में ये लगा दिया, तो आपके पास कार पार्किंग की जगह भी हो गई और आपका सोलर की वजह से आपका ये भी हो गया। सो ये आपका इन जनरल एक वो है कि कहाँ कहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कहीं पर भी रेसिडेंशियल से लेके इंडस्ट्रियल में अभी आपके लिए काफ़ी फायदा रहता है क्योंकि वहाँ आपका कंजम्पशन पैटर्न बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी अगर आप टाटा के उस पर देखेंगे सो ये सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन रहता है बिकॉज टाटा इज़ अ ह्यूज ब्रांड, तो आप उस पर सेफगार्ड रहते हैं कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग आपको अलग अलग टाइप के, इस पर आप देखेंगे तो टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन है, रूफ टॉप यानी आप अपने छत के ऊपर में लगा सकते हैं। कई जगह ऐसी भी रहती है जहाँ पर हम फ्लोटिंग सोलर भी लगाए हुए हैं कि आपके पास पॉन्ड है तो उस पर हम लोग सोलर प्लांट पूरा वैसे लगा देंगे तो आपकी जगह यूटिलाइज नहीं, और ग्राउंड माउंट सिस्टम तो रेगुलर वो रहता है। सो ये एक बेसिक है एंड डेफिनेटली एक रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी अच्छा एक स्कोप है, फ्यूचर के लिए अच्छा एक रेफरेंस है। आज के डेट में जितना कोल प्रोडक्शन की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए वी शुड डेफिनेटली गो अहेड फॉर सोलर पावर एंड इट्स अ गुड रिन्यूएबल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है, सूर्य तो हर जगह रहता ही है तो वहाँ पे सोलर एनर्जी लगा सकते हैं, तो हमको भी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। अभी नई चीज के बारे में जान रहे हैं, शाफ्ट्स के बारे में, और ये गियर बॉक्स तरफ में भी लगते हैं ट्रक्स के, आप देख सकते हैं इसमें पूरा यहाँ पे दिया गया है, पूरी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखी हुई दी गई है, आप देख सकते हैं कैसे ये लगे रहते हैं और इनका वर्क क्या रहता है। टाइप ए लेंथ एक्सपेक्शन और टाइप बी विदाउट लेंथ एक्सपेक्शन और टाइप सी विद ट्यूब कॉम्पैक्ट सीरीज, टाइप डी डबल फ्लैंग योक असेंबली, टाइप ई सिंगल फ्लैंग योक असेंबली, तो पूरा चीज यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं शाफ्ट कैसे काम करते हैं, ये इनको हम कार्डन शाफ्ट बोलते हैं, जनरली ये ट्रक में भी यूज होता है। और उसके अलावा अभी मशीन जो रोलिंग मिल है, ट्यूब मिल है, फिर पेपर मिल है, उन सब में भी इसका पावर जनरेट करने के लिए इसका काम यूज होता है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये किसको कैसे रोटेस होता है, इसमें आरपीएम और गियर बॉक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। इट्स अ मेटल पावर एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड, वर्क इन द स्पेक्ट्रोमीटर इंडस्ट्रीज। अच्छा, तो हम लोगों का जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये मेटल एनालिसिस करते हैं, कोई भी अलॉयज हो, फाउंड्री फॉर्जिंग कास्टिंग में ये बहुत यूज होता है। ठीक है, ये मेटल को एनालिसिस करता है ऑन द रनिंग टाइम, कोई भी चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, आप मेटल का एनालिसिस कर सकते हो, उसमें कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, नायोबियम, नाइट्रोजन, टाइटेनियम, वैनेडियम, कितना भी है इतना उसका पूरा के पूरा आप चार्ट निकाल सकते हो और उसका परसेंटेज जान के आपका
प्रॉपरली आप प्रोडक्शन बना सकते हो।